और आप देख रहे हैं ट्रैवल इन फूड। दोस्तों आज फिर से मौजूद हैं हम वाटरबम मेन चौरंगी पे, और यहाँ पे आने का मकसद है कि एम एस ऑफ पाकिस्तान लास्ट ईयर भी हमने यहाँ को इस इलाके इस जगह को हमने कवरेज किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अफ्तार के एहतमाम किया जा रहा है। तो आज फिर से सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सज्जाद भाई? अल्लाह करे खैरियत से। सज्जाद भाई आज जो हमें बताया पिछले साल कितना, इस साल भी माशाल्लाह से आपने बहुत ही बेहतरीन किस्म का एहतमाम रखा हुआ है। इस साल आपने क्या कोई एक्स्ट्रा कुछ अचीवमेंट की है या वो सेम वही चल रहा है? एक्स्ट्रा अचीवमेंट तो ये है कि यहाँ पे जो तादाद 10 रमजान तो होती थी वो 2 रमजान 3 रमजान से 60 हो गई थी। अच्छा। तो हमारा खाना बढ़ गया, ठीक है माशाल्लाह। फिर हमारी टीम बैठी कि हमने बोला कि यार हम पूरे साल जो है ना वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कभी सैलाब आ गया तो कुछ कर रहे हैं, कभी बच्चों की तालीम पर किसी की मेडिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो क्यों ना रमज़ान के अंदर जो है वो हम रोज़गार स्कीम को अनाउंस करें। हम इस साल जो रोज़गार स्कीम को लेके आए, ठीक है, बहुत छोटे पैमाने पे अभी जो है वो हम लेके आए रोज़गार स्कीम को, जिसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ के ठेले वगैरह हैं, इसके अंदर जो है वो हम किसी को बिरयानी का सेटअप दे रहे हैं, कुछ भी करके दे रहे हैं, ठेले दे रहे हैं। और अगर कराची वालों ने साथ दिया तो हम जो है वो बाइक्स वगैरह भी यहाँ पे लोगों को देंगे। उसकी प्रॉपर एक फॉर्म है, फॉर्म लोगों को भरना पड़ेगा, 27 रमजान को उसकी कुरानदाजी होगी। हमारी टीम जो टीम्स हैं वो वेरिफिकेशन करेंगी, उसके बाद जो है वो हम ये सारा प्रोसीजर चलाएंगे। ये हमने इस साल थोड़ा एक्स्ट्रा किया ताकि लोगों को अपने पाँव पे हम खड़ा कर सकें। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए सर कि फॉर्म किस समय मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा ताकि लोगों को आने में? फॉर्म जो है वो कल से यहाँ यानी 8 रमज़ान से मिलना शुरू हो जाएंगे यहीं मेन आयशा मंजिल चौरंगी से, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके वो फॉर्म भरें, हमारी टीम जाके वेरीफाई करेंगी, उसके बाद 27 रमज़ान को जब वो यहाँ पे कुरानदाजी है। टाइमिंग क्या फॉर्म की फिलअप के लिए? फॉर्म 6 बजे आ जाएँ और 10 रमजान 11 रमजान को हमें वो भर के देते हैं। बताना 7 रमजान है, 7 से 10 रमजान के अंदर अंदर आइए और यहाँ पर हम फिलअप करके अपना सबमिट कराइए। हाँ, अच्छा अच्छा, अब हम क्या दिखा रहे हैं आप थोड़ा सा आगे, हमें सेटअप दिखाइए। मॉल सेट किया हुआ, इसलिए सेट किया हुआ ऐसा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आने वाले को शर्मिंदगी ना हो कि भाई वो किसी दस्तखानदार का अफ्ताह कर रहा है। हमने इतने महंगे तरीन कालीन यहाँ बिछाए हैं, एक किसी की शादी के अंदर होते हैं, ठीक है, जो सेटअप लगाए हमने इसलिए इतना चलाया कि हर तबके का इंसान यहाँ पे आगे बैठ के अफ्ताह कर सके पुरसकून अंदाज में। अच्छा, ये फैमिली के लिए ये साइड बनाई आपका? ये हमारा जो एरिया फैमिली एरिया, ये हमारा जेंट्स का एरिया है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये हमारा किचन का एरिया है। अच्छा, ये देख जैसे कि देख सकते हैं ये इनके काउंटर का और दूसरे बाइक्स वगैरह के जो इन्होंने कुरानदाजी के लिए आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे हमारी लाइफ हो रही है कुकिंग, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो है वो देगे वगैरह खुल के वहाँ पे थाल बन रहे हमारे। ये जो है ये एक किसी बंदे खुदा ने जो लाके दे दिए थे, हमारी पानी की बॉटल्स हैं, हमारा सारा जो है ये हमारे देखे थाल बनना शुरू हो गए, ठीक है। अब तारीख के अंदर कोई 10 से 5 मिनट बाकी हैं अभी। नहीं नहीं, ये जो है ये मेनली डिश है अकनी है, और उसके साथ जो है वो है टिक्का, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाए आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आइए दोस्तों आगे चलते हैं जी। सर आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे भाभी को अभी इन्होंने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा फैमिली एरिया है, ओ जेंट्स का एरिया, और ये हमारा फैमिली एरिया है। और बस हम छोटी सी कोशिश करें कि रमज़ान के तो फैल जो है वो कराची वालों को अच्छे से अच्छा खाना खिला दें, और इस साल जो है वो रोज़गार स्कीम के अंदर भी हमारा साथ दें। हम लोग बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ भी सारे जेंट्स के लिए जगह बनाई है, मर्द हजरात के लिए ये जगह किसकी हुई है, और ये सामने देख सकते हैं, ये सामने फैमिलीज़ के लिए खवातीन के लिए ये जगह मुख्य से है। आगे चलते यहाँ के मज़ीद दिखाते हैं। यहाँ पे इनके शरबत का सेटअप है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया इस प्रोग्राम को। सामने देख सकते हैं एमएलएस पाकिस्तान की जाने से ये सारा एहतमाम किया जा रहा है, और ये काफ़ी प्रोग्राम्स इन्होंने प्रोग्राम पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं सारे। जैसे हम पहले भी विजिट करा चुके हैं यहाँ पे,
अच्छा दोस्तों, ये अफ्तारी का टाइम हो चुका है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। माशाल्लाह बहुत 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 ज़बरदस्त रहा यार, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और ये चंद स्टूडेंट हैं जो इन्होंने आपस में मिलके जो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो चलाई है, और अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी अच्छा कर दिया यार। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है, और खाने के लिए भी अच्छा दिया है, और टिक्का वगैरह यार शरबत दौर में महंगाई के दौर में यार ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। मतलब ऐसे कराची में और भी बहुत सारे हैं, लेने चाहिए कराची के लोगों को। हाँ, और भी लोग हैं जो कराची में कर रहे हैं और जो नहीं करते, मैं कहता हूँ कि उनको ये सब करना चाहिए, सबको आगे बढ़ के जो है सैर और अफ्तार दोनों करानी चाहिए, जरूर करना चाहिए, कराची के आवाम के लिए होना चाहिए ऐसे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो से, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।